हेलो फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रोहन सबनी के स्वागत बचरी। आज रोल को बहुत ही टेस्टी सब्जी अरबी के बताई, एकदम टेस्टी अच्छा लगी तो लाइक जरूर करूँ जाए। तो अरबी के सब्जी बनाए के पहले अरबी के अच्छा से छील के आ काट ले हम जाए। छीले से पहले हाथ में सरसों तेल जरूर लगा ले हम, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के पूरा हाथ में मसल ले हम, ताकि अरबी काटे ना। अरबी में खुजली होखेला, हल्का सा रोअर टच करम तो खुजली होखे लगी। तो अरबी के अच्छा से तेल लगा ले हम हाथ में, और उसके बाद अरबी के अच्छा से छील के और धो के काट लेबे के बाइक रखे। इस तरीका से छील ले हम तो बहुत आसानी से छिला जाला चाकू से, बस इस तरीका से छील लेबे के बाद, और छोटा छोटा पीस करके काट लेबे के बाद। छोटा छोटा पीस काटल जाए ताकि अरबी अच्छा से पक जाए। कोई कोई पानी में रहेला तो वो जल्दी पके ना, तो प्रेशर कुकर में पकाए के पड़ेला। इस तरीका से काट के अधो लिए, इस तरीका से अरबी के पूरा काट लिए। अब जिस तरीका से लंबा भी रुआ काट सकते नहीं, इस तरीका से भी काट सकते नहीं, गोल गोल भी काट सकते नहीं, लेकिन पहले काट ले हम उसके बाद धो। इस तरीका से अरबी के काट लिए। चल तो पूरा अरबी के पहले हम छिल के काट लेता नहीं, काट के धो के रुआ के लाता नहीं। इस तरीके से पहले आराम से रुआ छिले हम। अगर हाथ में सरसों तेल लगा ले हम तो अरबी काटी ना, खुजली ना करी। इस तरीके से देखिए आराम से ये छिला जाला। एक टेस्टी बहुत टेस्टी सब्जी लगेला, लेकिन बनाए के तरीका अलग अलग होला अपना अपना जगह पे। देखिए इस तरीके से अरबी के काट ले हम। चलिए तो देखिए हमने के अरबी के अच्छा से काट के और धो के साफ कर ले बनी इस तरीका से। अब एक मसाला तैयार कर लिया। मसाला तैयार करे खातिर हम ले बनी लहसुन और सरसों, काला सरसों व पीला सरसों के भी यूज कर सकते नहीं। अब एकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करम। चलिए तो हमने के लहसुन और सरसों के एक पेस्ट तैयार कर लेनी जा। अब इसमें डाल दे हम कुछ मसाला, धनिया पाउडर एक चम्मच, अपने हिसाब से ही मसाला तैयार करम। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, मिक्स सब्जी मसाला एक चम्मच, और सभी मसाला के एक में मिक्स करके छोड़ दिया है ताकि हमने के मसाला अच्छा से फूल के तैयार हो जाए। अगर वो भी खड़ा मसाला बा तो अच्छा से उकरे के अच्छा से मिक्स करके पीस ली हूँ। देखिए तो ये मसाला हमने के अच्छा से रेडी हो गए। अब चलल जाओ अरबी के बनावे। अरबी के पहले फ्राई कर लिया तेल में। फ्राई करे खातिर कढ़ाई के बहुत तेज गर्म कर दे हम, और उसमें डाल दें हम तेल। वह जो भी तेल यूज करीला वो तेल डाल के अच्छा से गर्म होके दे हम। तेल अच्छा से गर्म हो जाए तो अरबी फ्राई करत खानी वो चिपकी ना। तेल तो अरबी के पहले पूरा एकदम पूरा तेल गर्म हो जाए तभी अरबी के डाल के हमने के फ्राई कर लिए। चलिए तो तेल हमने के अच्छा से गर्म हो गए बा, तेल के कलर चेंज हो गए बा। अब इसमें डाल दें हम अरबी। अरबी के चलाते हुए जब तक ले हल्का लाल ना हो जाए तब तक ले फ्राई करे के बाद। चलिए तो देखिए हमने के इस तरीका से अरबी के फ्राई कर लेनी जा। अब एकरा के निकालम ना, इसी में हम मसाला डाल दे हम ताकि अच्छा से ये फ्राई हो जाए। मसाला के साथ ही टमाटर थोड़ा देर में डाल दिया है। तो इस तरीका से डाल दे हम तो रोल मसाला के साथ अरबी बहुत अच्छा से फ्राई हो गई। अब एकरा के चलाते हुए ही फ्राई करे के बाद ताकि हमारा मसाला भी जले ना, और मीडियम आँच कर देवे के बाद, ज़्यादा तेज आँच पे ना। चलिए तो कुछ देर हमने के आराम से एकरा के भून ले बन जा। अब इसमें हमने के डाल दिया है टमाटर, भूनते ही वक्त टमाटर डाल दिए। उसके बाद डाल दे हम स्वाद अनुसार नमक ताकि टमाटर अच्छा से गल जाए और टेस्ट अच्छा सा आवे। और उसके बाद डाल दे हम इसमें एक चम्मच अमचूर पाउडर। ये जरूरी चीज़ बा काहे कि अरबी मुँह काटेला, खुजली देवेला, ये चलते अरबी में कभी भी बनाएं तो अमचूर पाउडर डाल दें या तो टमाटर के मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें हम। वो भी टमाटर देसी होके के चाहिए कि खट्टा होके। अब एकरा कि जब तक ले भुने के बाद तब तक ले तेल अलग ना हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए ताकि हमने के अरबी अच्छा से पक जाए तो खुजली ना करी। एकरा के चलाते हुए हम पहले फ्राई कर लेता नहीं और मसाला अच्छा से भुना जाए। चलिए तो देखिए हमने के अरबी के अच्छा से भून ले बन गया कि मसाला भी अच्छा से तेल छोड़ दे ले बा। इस तरीका से अरबी के भूंज लेवे के बाद, फ्राई कर लेवे के बाद मसाला के साथ। अब एकरा के का कहिए कि कुकर में ट्रांसफ़र कर लिए मैंने डालल जाए। अब अरबी के एक प्रेशर कुकर में डाल के और 2 से 3 सीटी लगा लेवे के बाद, और इसी कढ़ाही में पानी डाल के ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देवे के बाद। तो चलिए अरबी के हम डाल देनी। अब इसी में कढ़ाही में पानी डाल के अच्छा से धो के अब हम ग्रेवी तैयार कर ले हम। चलिए तो एकरा में ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया है। अब कुकर में ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी, हार्डली 3 सीटी
लगा देवे के बाद 2 से 3 सीटी लगा के हमी के अरबी तैयार हो गई। तो चलिए एकरा के 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। चलिए देखिए हमी के अरबी के सब्जी बन के तैयार हो गई। अब प्रेशर भी लग गई। अब एकरा के निकाल लिया। निकाल के देखिए कितना सुंदर अरबी के सब्जी बन के तैयार भइल बा। अब इसके निकाल के रोक के दिखा देखी तो अरबी के सब्जी। अब इस पे हरा धनिया डाल के रुआ खा सकता नहीं कोई चीज़ में। बताइए कि अरबी के सब्जी की रेसिपी रुआ लोग कैसा लगा। तो उम्मीद करते नहीं अच्छा लगी। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारा रेसिपी देखेगा तो वो सभी बहुत बहुत धन्यवाद।